लखनऊ से आज की बड़ी खबर, जहां सीएम योगी की बैठक होनी है ठीक 10:30 बजे। सीएम योगी की बैठक होगी, टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी चर्चा करेंगे। पिछले 24 घंटे में प्रदेशों के हालातों को लेकर समीक्षा करेंगे। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी जो है वो चर्चा करते हैं, बैठक करते हैं। हर दिन ये बैठक बेहद खास और अहम माना जाता है, क्योंकि योगी सरकार, योगी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अलर्ट मोड में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है, और एक बार फिर से आज टीम 11 के साथ बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के हालातों को लेकर समीक्षा की जाएगी, टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर विचार किया जाएगा। फुल टेस्टिंग के आंकड़ों पर भी चर्चा की जाएगी। आईएमए के विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं यूपी में, तो चिंता का विषय जरूर बन गया है। आगरा की बात करें, लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, ये तीन ऐसे जगह है जहां से हर दिन नई नई अपडेट सामने आ रही है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो टेस्टिंग है वो की जाए। इसको लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। पूल टेस्टिंग किया जा रहा है, ऐसे में पूल टेस्टिंग का भी आकलन करते हुए आज नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। तो कई मामलों में ये मीटिंग जो है, ये बैठक जो है वो अहम होने वाली है। तो लगातार योगी जो है वो बैठक कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। और ऐसे में चलिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चंद्रमणि, योगी आदित्यनाथ हर दिन टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके अलग अलग मुद्दे होते हैं, और हर वो मुद्दा खास होता है जो इस वक्त उन पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो। बात टेस्टिंग की जाए तो आज टेस्टिंग को लेकर चर्चा की जाएगी क्या, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हर दिन अपडेट सामने आ रही है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, ताकि हम बहुत जल्द पता लगा पाए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और अगर कल की बात करें, कल ही पूरे प्रदेश में 111 नए मामले सामने आए, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये तभी सुलटाया जा सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि जो लोगों में लक्षण नहीं दिख रहे, जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे और वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। और ये तभी पता लगाया जा सकता है जब अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग हो। उसके लिए आज बृहद चर्चा की जा सकती है कि जो लैब टेस्टिंग है उनको कैसे बढ़ाया जाए, वहीं पर जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी, और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें हैं, और वो उस पर कुछ इस तरह से निर्णय लेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों की जो टेस्टिंग कराई जा सके, जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं वहाँ पर पूल टेस्टिंग कराई जा सके, जिससे जो संक्रमित हैं जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे उनका भी पता लगाया जा सके। जी बिल्कुल चंद्रमणि, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। फिलहाल जो टेस्टिंग का आंकड़ा है, हर दिन कितनी संख्या में लगातार टेस्टिंग हो रही है चंद्रमणि? जी बिल्कुल, लगातार इधर प्रदेश में लगातार टेस्टिंग हो रही है, और जो पहले अब हजारों की संख्या में टेस्टिंग हो रही है, और वहीं पर जो बात की जा रही है कि सैंपल लेने की, और उसके बाद में हर मंडल में लैब की व्यवस्था करने की बात की जा रही थी, और जल्द ही हर मंडल स्तर पर एक लैब का निर्माण किया जाएगा। वहीं पर जो कल की अगर बात करें, कल जो संक्रमित लोगों में जो रायबरेली और तमाम जिलों के जो जैसे आगरा है, आगरा के 40 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो इस तरह से पूल टेस्टिंग की जा रही, जिसके माध्यम से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा रही, और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही पूरे प्रदेश में हर मंडल पर एक लैब होगी और उसके जरिए लोगों की टेस्टिंग। जी बिल्कुल, तो चंद्रमणि, लैब बढ़ाने को लेकर आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि तमाम अपडेट के लिए।